हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ईशु किचन में लगी हुई है। तो ये किचन में थोड़ा सामान जो हम राशन का मंगाया था मैंने उसको ही समेट रही है, कुछ कुछ रख रही है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है घर से आए हैं तो आने के बाद में साफ सफाई और बहुत सारा काम हो जाता है। तो मिल कर गई ही मैं और गीता, कुछ और काम में लगे हुए थे सुबह का, तो मतलब हमारा वो भी हो चुका है यहाँ पे झाड़ू पोछा वगैरह। उसके बाद ईशु इसको इसलिए सेट कर रही है क्योंकि जो बच्चों ने ना, आप लोगों को पता है गन्नू पिंकू दोनों ही घर सारा इधर से उधर तकिया और चादरें वगैरह सब फैला दी, तो बस ईशु ने के दोबारा से एक बार और सेट कर देती हूँ और हल्की सी झाड़ू लगा दूंगी। तो क्योंकि वही हो जाता ना, बच्चों के साथ में छोटे बच्चे हैं दोनों, जहाँ मन करेगा वहीं खिलौने डाल, ये डाल, वो सब पूरा फैला करके। और यहाँ पे फिर मेरा यही हो रहा था कि कपड़े वगैरह और भी थोड़े पड़े थे, उनको धोने का काम करना वो सब, और इस सब में ही लगे पड़े हैं। तो ईशु इसको निपटा रही है। उधर राशन का सामान इसने जो अलमारी में लगाना था इसको पता है। यहाँ देखिए मैं कपड़े थोड़े से जो धो करके उसके बाद में उन्हें सुखाने के लिए चली गई हूँ। तो ईशु मुझे बोल रही थी मम्मी वीडियो बन रही है, मैंने कि कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं था ईशु ने सारा सेट करके कि मैं वीडियो बना लेती हूँ। ये देखिए पूरा सेट कर दिया है। और यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ, दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे बना रहे हैं राजमा, तो मैं राजमा उबलने के लिए रख रही हूँ। ये तकरीबन हो रहा होगा मतलब 12 बजे या 11:30-12 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। तो यहाँ राजमा में बस वही भिगो करके पहले ही रखा हुआ था, अब धो के अच्छे से दोबारा और इसमें नमक डाल करके इसे उबालने के लिए रख दूंगी, क्योंकि नमक से क्या है जल्दी से राजमा या दाल कुछ भी होता है गल जाता है अच्छे से, क्योंकि अगर हम नमक नहीं डालते हैं तो अच्छे से गलेगा भी नहीं। दूसरे क्या है कि अब जब बनता है ये धीरे धीरे तो इसके अंदर अच्छे से नमक चला जाता है तो टेस्ट भी अच्छा आता है। उसके बाद में ये नाश्ते के बर्तन जितने भी थे साफ करे हुए थे उनको मैंने लगा दिया। और यहाँ देख रहे होंगे मैंने टंकी जब साफ करी थी आपको वीडियो में दिखाई थी, तो बस साफ हो गई, सूख गई अच्छे से सब। इसमें मैं आटा पलट दूंगी जो कि घर से मम्मी ने आटा दिया था, तो फिर उसको क्योंकि ये साफ करके और ये कट्टा मैंने सिंक में डाल दिया क्योंकि इसको मैं धो के बालकोनी में सुखा दूंगी, जिससे कि अगली बार कुछ भी काम करने में हम यूज ले सकते हैं। नहीं तो आटे का जो अगर ऐसे ही रख दूंगी तो इसमें सूरसी या गिनार होने का डर रहता है। और यहाँ पे हमारा जो राजमा थे वो उबल गए, उसको मैं तड़का लगा रही हूँ यहाँ, तो तेल को मैंने डाल दिया। और देख रहे हैं इसको मैं थोड़ा थोड़ा इसीलिए हिला रही हूँ कि जो सरसों का तेल होता है इसमें झर होती है, तो ऐसे धीरे धीरे हिलाने से सारी झर निकल जाती है और अच्छे से पक जाता है। ये देखिए आप पक करके इसका कलर भी चेंज हो गया है। और यहाँ पे मैं जीरा डाल दिया, उसके बाद में मैंने यहाँ पे प्याज डाल दी है। इसको मैं अच्छे से भूनूंगी क्योंकि गोल्डन ब्राउन होने तक भूनने के बाद में फिर आगे का जो हमारे मसाले वगैरह हैं वो मैं इसमें ऐड करूंगी। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे जो प्याज थी वो भून के हो गई तैयार। उसके बाद में मैंने डाल दिया इसमें टमाटर, क्योंकि टमाटर की जो और हरी मिर्ची की प्यूरी बना के रखी थी उसको, उसके बाद में अच्छे से इसको कुछ देर चलाऊंगी। चलाने के बाद में उसके बाद में जो हमारे मसाले हैं वो ऐड करूंगी। और मेरे पास कल जो मैंने वीडियो मतलब सॉरी आज ही जो डाला था उसमें मेरे पास सुबह जो वीडियो गया है कमेंट आए थे कई सारे कि दीदी मायके से क्या क्या मिला है गिफ्ट में, हमें दिखाओ, हमें भी बताओ क्या क्या आप लेकर के आई हो, भाइयों ने क्या गिफ्ट दिया है। तो आपको मैं बताऊं सच में ही इतना सारा है, समझ ही नहीं आ रहा था मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, आपको कहाँ से दिखाऊं सामान, क्योंकि कितना तो राशन का सामान है देखिए। अब उसको तो मैं एक एक करके नहीं आप लोगों को वीडियो में दिखा सकती, अगर दिखाने बैठूंगी तो वीडियो मेरी 2-3 घंटे की जाएगी और उतनी लंबी वीडियो कोई देखेगा भी नहीं। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी प्याज भुन गई थी और टमाटर मतलब प्यूरी मैंने अभी डाली है यहाँ पे। तो ये मतलब राशन का तो देखिए दाल चावल और गेहूं वगैरह और आटा तो मैंने भरा ही है आप लोगों के सामने, मम्मी ने सब दिया घर में, आप लोगों को पता ही चक्की थी तो मम्मी ने वही था कि कुछ यहाँ से मैं 10-12 किलो के आसपास पीस के दे देती हूँ, जिससे कि जाते ही तुरंत आप लोगों को पिसवाना नहीं पड़ेगा। बाकी का गेहूँ दे दिए हैं जो मैंने अभी स्टॉक करके रख दिए हैं, जब खत्म हो जाएगा तो पिसवा लूंगी। मतलब बहुत सारा सामान है एकदम, कहते हैं ना कि देखिए गाड़ी भर के आया है, तो अगर लगेगा तो मैं दिखाऊंगी। और रही बात कपड़े वगैरह की, तो उसका तो आप लोगों को पता ही है कि लॉकडाउन इतना, और हमारे यहाँ पे जो जेवर का मार्केट है वो इस टाइम पे जो अगर वहाँ के आसपास के लोग मेरा कोई वीडियो देखते हैं तो उनको पता है 1 महीने से जेवर बिल्कुल बंद है। उस दिन भी मैंने वीडियो में आप लोगों को जो बताया ना कि जेवर का मार्केट है, तो देखा होगा आप लोगों ने कोई कोई दुकान ही थोड़ा बहुत ही कोई रौनक नहीं थी, कपड़े वगैरह का कुछ भी नहीं। और अगर खुलते अभी ये मार्केट 2-4 दुकान है तो फिर वही हो जाता है कि बाहर पीछे से जो स्टॉक आने वाला होता कपड़े वगैरह का वो नहीं आ रहा,
इसलिए भाइयों ने पैसे दे दिए कि गाजियाबाद में तुम्हें जो तुझे पसंद आएगा वो कपड़े ले लेना, नहीं तो मेरा बड़ा वाला भाई हमेशा मुझे कपड़े ही ला के दे देता है। तो इस बार वही बोल रहा था मैंने कि कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे मार्केट बंद है। और ये देखिए आप लोगों से बात ही बातों में मेरे राजमा भी बन के तैयार हो गए, उधर चावल बन के तैयार हो गए। अब यहाँ मैं सबके लिए प्लेट लगा रही हूँ, ईशु की, भाई की, गीता की, गन्नू की, तो वही है ना, सबको एक साथ में डाल करके दे दूंगी। और राजमा चावल तो ऐसा ही है कि सबको एक साथ डाल करके दे दीजिए। और वैसे भी हमारे घर में तो मेरे यहाँ पे मतलब चावल अगर मैं बनाती हूँ तो रोटी नहीं खाते हम लोग, तो सिर्फ चावल ही खा लेंगे। ऐसा नहीं है कि अब चावल के साथ में हमें एक दो रोटी भी चाहिए, नहीं, क्योंकि इसी वजह से मैं दोपहर के टाइम में ज़्यादातर देखा होगा आपने दाल चावल राजमा जो भी है चावल दोपहर में ही बनते हैं, जिससे कि रोटी वगैरह ना चाहिए साथ में, खाली चावल ही। और यहाँ में भाई की जो राजमा है उसके राजमा में मैं घी डाल रही थी। और यहाँ देखिए प्लेट लग के तैयार हो गई, बूंदी का रायता, हरी मिर्ची है, राजमा चावल है। आप लोग भी आ जाइए, किस किस का मन हो रहा है खाने के लिए तो आप लोग भी खा लीजिए। और उसके बाद में ये है मेरा वीडियो जो मेरा मतलब वहाँ से है, आप लोग देख रहे होंगे बैग वगैरह रखा हुआ है, तो बैग में दोबारा से पैकिंग नहीं कर रही हूँ, जा नहीं रही हूँ। एक्चुअली मेरा बैग अनपैक नहीं हुआ था, वही कर रही। ईशु ने और गीता ने अपने अपने कपड़े लगा दिए थे लेकिन मेरे नहीं लगे थे। मेरे साथ में ऐसा ही हो जाता है, कोई काम है मैं कि पहले चलो उसको कर लेती हूँ, बैग का बाद में निपटाऊंगी। और अभी मैं सारे कपड़े ऐसे ही लगा दूंगी अलमारी में, फिर एक दो बार टाइम मिलेगा जैसे ही धीरे धीरे सब प्रेस वगैरह करूंगी, क्योंकि एक साथ हम प्रेस करने में आप लोगों को पता है मेरे सर्वाइकल है, तो मैं ज़्यादा नहीं एक दो सूट पे एक साथ करूंगी, एक दो सूट पे एक साथ, फिर उसके बाद हम दोबारा सेट करूंगी। अभी फिलहाल बैग में से निकाल के सबको ऐसे ही लगा देती हूँ, क्योंकि घर पे वहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम हो जाती थी, लाइट नहीं थी, तो इसलिए बिना ही प्रेस के सारे कपड़े में बैग में भर के लेके आ गई थी। और यहाँ अभी कबड़ में लगा दूंगी एक साइड में। तो वही इशू बोल रही थी मम्मी कब कपड़े अपने तैयार बैग लगाओगी मतलब अलमारी में। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ, ये बना रही हूँ मैं मरुए की चटनी, तो ये है मरुए के पत्ते। आप लोग कौन कौन चटनी बनाता है मरुए के पत्ते की? और हमारे हम तो इन्हें मरुए के पत्ते ही बोलते हैं, मतलब इस तरीके के मैं दिखा रही थी। और उसमें मैंने प्याज कट करके डाली है एक, और टमाटर डाला है, हरी मिर्च डालूंगी। और एक्चुअली मेरे पास वो नहीं था, क्या बोलते हैं, आम का अचार जो होता है खट्टा उसको डाल सकते हैं, तो टमाटर डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये साबुत धनिया है, मुझे पीसना है, पिसा हुआ नहीं था, अगर पिसा हुआ होता तो मैं वही डालती, लेकिन इसको भी पीसना है इस वजह से मैंने साबुत धनिया डाल दिया। थोड़ा इसमें जीरा डालूंगी, नमक ऐड करूंगी, और उसके बाद में यहाँ पे लाल मिर्ची डाल रही थी, फिर मुझे याद आया कि नहीं हरी डाली है उसमें तो ज़्यादा ही तीखी हो जाएगी, इस वजह से ये देखिए चटनी हमारी बन के तैयार हो गई। मरुए की चटनी बहुत अच्छी होती है पेट के लिए भी, और इन दिनों में बारिश के सीजन में इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये हमारा शाम के टाइम का वीडियो जो हम छत पर गए थे, क्योंकि 15 अगस्त है, उसमें सबने ही यहाँ पे अपनी अपनी छत पे पतंग उड़ाई हैं। ये देखिए मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। और ये भाभी का किचन गार्डन है जो आप सब लोगों ने बोला था दिखाने के लिए, तो मैं अच्छे से तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ी सी क्लिप डाल दिया, किसी टाइम पे अच्छे से दिखाऊंगी किस किस चीज़ के उन्होंने पेड़ लगाए हुए हैं, क्या क्या उनकी सब्जी लग रही है इस टाइम पर। मगर यही था मैं चलो छत पर सबकी बना के दिखा रही हूँ। ये थोड़ा जूम करके मैंने दिखाया है जो सब लोग पतंग उड़ा रहे थे। यहाँ पे देखिए भाभी बैठी हैं, गन्नू है, ईशु है, तो बस वही था, सब लोग छतों पे ही थे शाम के टाइम में। और वैसे भी छाप शाम को अच्छा भी लगता है छत वगैरह पे। ये देखिए बराबर में हमारी बिल्डिंग है ये, लेकिन इस टाइम पे हम भाभी की छत पर थे। और ये मेरा सुबह का मतलब आज का है 16 तारीख का ही वीडियो, 16 अगस्त का सुबह के टाइम का। ये यहाँ हो रही है नाश्ते की तैयारी, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं जवे हैं जो ईशु ने तोड़े थे, मैंने आपको जब अप्रैल मई में दिखाए थे वही वाले हैं। और मैं इनको भून रही हूँ, जो कि मैंने पूरे भून के अभी नहीं रखे हैं, ऐसे ही गांव चली गई थी छोड़ के। और दूसरी तरफ को आप देख रहे होंगे भगोने में दूध गर्म हो रहा है, क्योंकि सुबह के टाइम है तो दूध भी आ जाता है, तो सुबह को दूध भी गर्म करना है। उधर मैं नाश्ते की तैयारी कर दूंगी, गीता झाड़ू पोछा कर रही है, बच्चे अभी सोए हुए हैं, अभी जगह नहीं है। यहाँ मैं पास से दिखा रही थी कि गोल्डन ब्राउन होने तक इनको इस तरीके से भूनूंगी। फिर यहाँ पर मैंने डाल दिया है जीरा, इनको मैंने देसी घी में तड़का लगाया है, आप चाहो तो रिफाइंड या तेल में लगा सकते हो। जीरा डालने के बाद प्याज ऐड कर दिया, प्याज ऐड करने के बाद इसमें हरी मिर्ची और टमाटर ऐड कर दूंगी। ये देखिए कर दिया, उसके बाद में नमक, बस मसाले तो वही चीज़ है, सब चीज़ देखिए 3-4 मसाले, हल्दी, नमक और हरी मिर्च डाली है, तो इसमें लाल मिर्च ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि ये हरी मिर्च जो जवा मिर्च होती है पतली वाली, बहुत तीखी वाली वो मिर्ची है, फिर ज़्यादा तीखा हो जाएगा और बच्चे नहीं खा पाएंगे इस वजह से। तो यही था कि थोड़ा हल्का नाश्ता हो जाएगा, इस वजह से मैंने कि चलो जवे ही बना लेते हैं, क्योंकि फिर दोनों तीनों टाइम खाना पीना वही सब्जी रोटी तो
मन भी थोड़ा ऐसा ही हो रहा है, और ऊपर से गांव में तो सब ये खाया ही है, तो इस वजह से यहाँ देखिए मैंने पानी डाल दिया था, उसके बाद में मैंने डाल दिए जवे। अब इनको ढक के पकने के लिए छोड़ दूंगी, फिर उसके बाद में हम लोग नाश्ता कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, आप लोगों ने मेरी वीडियो भी तो गन्नू बैठा, गन्नू बोलेगा, पहले गन्नू बोल। हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब ठीक होंगे? हम ठीक हैं, स्वस्थ होंगे। गन्नू को पता चल जाता है बुआ अपनी वीडियो का एंड कर रही है, शुरुआत कर रही है, एडिटिंग कर रही है, जो भी है वो मेरे पास ही बैठा रहेगा। जब एडिटिंग करती हूँ ना उस टाइम पे उसको रहता है, मैं भी आऊँगा। मैंने कहा अभी तो मैं इसमें अपनी वॉइस डाल रही हूँ और एडिटिंग कर रही हूँ, मैं एंड या शुरुआत शूट करती हूँ, मैं तब तुझे लेके बैठूंगी, उस टाइम पे ही करवाऊंगी, ऐसे काम करेगा, उसको भी बैठना है। तो वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने में आप सब लोग बहुत कंजूसी कर देते हैं, लाइक बहुत कम आते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करें जो न्यू चैनल पर हैं, बेल आइकन के साथ में, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को हट गंदा मुँह में निहाल डालते हैं, आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे और सबसे पहले मिले, जिससे कि आप लोग मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाए। तो चलिए मिलती हूँ और आगे कल नए एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, एक अच्छे से वीडियो के साथ में। बाय बाय फ्रेंड।